हाय गाइस, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक शेयर करूंगी, जिसकी सिर्फ एक दफा के यूज से ही आप स्किन पे डिफरेंस फील कर सकेंगे। ये पैक स्किन की काफी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अगर आप ओपन पोर से परेशान हैं, तो इस पैक को एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। ये फेस पैक स्किन के पोर्स को श्रिंक करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा, सनबर्न को प्रिवेंट करेगा, उसकी बर्निंग को सूथ करेगा, स्किन पे ग्लो लेकर आएगा, रिंकल फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स को लाइटन करेगा, स्किन से एक्ने स्कार्स को रिमूव करके स्किन को क्लियर और रिफ्रेश करके यूथफुल बनाएगा, और वो भी बहुत सस्ते में। मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है होने वाले दुल्हा और दुल्हन के लिए। मेरी इस रेमेडी से मेल एंड फीमेल दोनों बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो हुआ ना कम खर्चे में बहुत जबरदस्त सब महंगा सौदा। तो चलें, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब बातें कम करके अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यार, और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी, तो उसकी वीडियो आपको जरूर मिलेगी और आप उससे बेनिफिट्स उठा सकेंगे उसको वॉच करके। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी रोज़ पेटल्स की। तो यहाँ मैंने 5 से 6 रोज़ेस ले लिए हैं। आपने भी देसी गुलाब लेने हैं, जो हमारे लोकल जो गुलाब होते हैं जिनके हार वगैरह मिलते हैं, ये वो गुलाब्स हैं। आपको इंग्लिश रोज़ेस नहीं लेने, इंग्लिश गुलाब नहीं लेने, वो सिर्फ रेड कलर देंगे आपको, इसके अलावा कोई बेनिफिट्स नहीं देंगे। तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो गुलाब के फूल हैं, रोज़ जो फ्लावर्स हैं, ये आपके देसी हों। तो यहाँ मैंने 5 से 6 रोज़ेस ले लिए हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी बीट रूट की और एक टमाटर की। तो एक टमाटर मैंने नॉर्मल साइज़ का ले लिया, और साथ ही मैंने हाफ बीट रूट ले लिया है, यानी कि चुकंदर ले लिया है। उसको अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है, उसका छिलका हमने रिमूव कर दिया है, और इसे भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रोज पेटल्स के साथ ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डाल के। मैंने यहाँ रोज पेटल्स का यूज किया है। रोज पेटल्स यानी गुलाब की पत्तियों में बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी और अदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। विटामिन सी हमारे स्किन सेल्स और टिश्यूज को स्ट्रेंथ देती है और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो सनलाइट यूवी रेजेस से प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है, साथ ही एक्ने स्कार्स ब्लेमिशेस को जल्दी हील करने की ताकत रखता है। रोज पेटल्स का जेंटल टेक्सचर स्किन को डीप क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है, जो स्किन से डर्ट, जर्म्स, एक्सिस डेड सेल्स, एक्सिस सीबम को रिमूव करके पोर्स को क्लीन करता है, स्किन जेंटल एक्सफोलिएट करता है। रोज पेटल्स स्किन को फेयर बनाता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करके स्किन को रिफ्रेश ग्लोइंग लुक देता है। इसके बाद मैंने इसमें यूज किया है बीटरूट का। तो बीटरूट भी विटामिन सी का कंटेंट है, जो स्किन पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करके फेयर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। बीटरूट आयरन, फास्फोरस और प्रोटीन का रिच सोर्स है, जो हमें एक हेल्दी लुकिंग स्किन देता है। बीटरूट नेचुरल रेमेडी है, जो हमें स्किन को बटर स्मूथ यानी मक्खन की तरह स्मूथ और सिल्की बनाता है। बीटरूट मॉइस्चर प्रोवाइड करता है पोर्स के अंदर तक, यानी इनर लेयर तक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें मिलती है एक हेल्दी एंड पिंकिश स्किन। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे टोमेटोज का, यानी टमाटर। तो टोमेटोज हमारी स्किन पर नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, जो कि बहुत हेल्प करता है हमारे स्किन की टोन को लाइटर करने में। टोमेटोज हमें देता है अमेजिंग नेचुरल ट्रीटमेंट, जो स्किन को यंगर बनाता है। टोमेटोज हमारी स्किन से डेड सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो तीनों चीजें मिक्सी में डालने के बाद हम इसे एक फाइन पेस्ट, इन चीजों को मिक्सी में डालने के बाद हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी मुल्तानी मिट्टी यानी फुलर्स अर्थ की। तो ये स्पून जो आप देख रहे हैं, ये 2 स्पून भर के मैं इस पेस्ट में इसको ऐड कर दूंगी। उसके बाद योगर्ट यानी कि दही, तो दही के भी मैं यहाँ 2 स्पून भर के इसमें ऐड कर दूंगी इस पेस्ट में। तो अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे, और जितना पेस्ट हमारा बनके तैयार हुआ है, उसमें जितनी भी हमें जरूरत होगी उतना पेस्ट हम ले लेंगे। बाकी अगर हमारे पास बचता है, तो उसको हम इजिली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। तो ये पेस्ट बनाने के बाद आप रेगुलर बेस पे भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 वीक तक इसे रेगुलर अप्लाई कीजिए, आपकी स्किन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, स्किन ग्लो करेगी, स्मूथ हो जाएगी, बहुत सिल्की सॉफ्ट मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगी। तो हमने यहाँ ले लिया है एक फेस पैक बनाने के लिए, जितना हमें ज़रूरत थी उतना इसमें हमने डाल दिया है ये पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है दही का। 2 चमचे मैं इसमें डालूंगी दही। तो दही यानी कि योगर्ट में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन पे एक्सफोलिएशन का बहुत अच्छा काम करता है, जो स्किन पे मौजूद टॉप लेयर डेड स्किन को रिमूव करके स्किन को ब्राइटर एंड यंगर बनाता है। साथ ही ये एक एक्सीलेंट नेचुरल होम रेमेडी है, जो एक्ने एंड पिंपल से फाइट करती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी के। 2 स्पून इसमें ऐड कर देंगे फुल भर के। अगर आपको ज्यादा इसमें ऐड करना है, तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी यानी
फुलर्स अर्थ हमारे स्किन के ओपन पोर्स को श्रिंक करके उनको स्मॉल करती है, साथ ही स्किन पे मौजूद ऑयल के प्रोडक्शन को रोकती है, सीबम को रिड्यूस करके स्किन को फेयर करती है, स्किन के ब्लेमिशेस को अनइवन टोन को टोन करती है और स्किन को टाइटन करके यंगर लुकिंग बनाती है। तो सब चीजें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा स्मूथ सा फेस पैक की शक्ल दे देंगे, पैक बना लेंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको और ये पैक हमारा अब रेडी हो चुका है फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो ये फेस पैक आप रेगुलर बेस पे भी यूज कर सकते हैं, 1 वीक इसको रेगुलर यूज कीजिए, उसके बाद अपनी स्किन में फील कीजिए विजिबल डिफरेंस, काफी स्किन आपकी लाइटर हो जाएगी, बहुत टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने खुद यूज किया है, उसके बाद इस रेमेडी को आपसे शेयर किया है। यहाँ मैं दावा नहीं कर रही लेकिन इसको आप यूज करेंगे, दावे करने वाली बात तो है लेकिन मैं यहाँ बोल नहीं रही क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे तो खुद बोलेंगे अपने मुंह से। तो इसको यूज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, आपकी लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। जब मेरी सब्सक्रिप्शन बढ़ती है या मुझे कोई कमेंट करता है, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी रेमेडीज आपके लिए लेकर आती हूँ, रिसर्च करती हूँ उसके बाद। तो इसको अपने फेस पे इसी तरह से आपने अप्लाई करना है जिस तरीके से कोई भी फेस पैक आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अच्छी सी एक थिक लेयर अपने फेस पे से आपने अप्लाई करना है, आप इसे हाथों पे भी लगा सकते हैं, नेक को कवर कीजिएगा अच्छी तरह से, एक मोटी मोटी सी एक थिक सी लेयर अपने फेस पे और नेक पे अपने आपने अप्लाई करना है, उसके बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर ड्राई होने में ज्यादा टाइम लगे तो 20-25 मिनट इसे आप चिल्ड वाटर से अच्छे तेज ठंडे पानी से आपने इसे वॉश करना है और जब आप इसको वॉश करेंगे तो वॉश करने के साथ ही आपको अपनी स्किन पे बहुत जबरदस्त सा ग्लो नजर आएगा। तो गाइज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आप यकीन कीजिए कि मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता सकती कि इसका टेक्सचर जो मैं फील कर रही हूँ, ये जो धोने के बाद इसके हाथ को मैंने फील किया है, बहुत जबरदस्त टेक्सचर आया था, बहुत जबरदस्त स्किन को इसने स्मूथ और नरिश कर दिया था। तो इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और की शादी होने वाली है वो अभी से अपने स्किन की केयर शुरू कर दें, 1 महीना पहले 2 महीने पहले अपनी स्किन का केयर करना जरूर शुरू कीजिए। तो गाइज ये जबरदस्त सा बेनिफिशियल सा सस्ता सा पैक बनाइए और अपने स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बनाइए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई रिक्वेस्ट है। तो गाइज मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। Y no te voy a negar.